देवानंद के इस रिश्ते से बहुत खफा थी। इस फिल्म को ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। देवानंद ने अपनी जिंदगी में कई दोस्त बनाए थे, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ शुमार थे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन और आज मेरे साथ है उमर अंसारी। दोस्तों, अपने अभिनय से सारी दुनिया के दिलों पर राज करने वाला वो शख्स जिसने एक मर्तबा कहा था कि मैं हिंदी सिनेमा के लिए ता उम्र जवा रहूंगा, वो शख्स जिसकी अदाओं पर आज भी लाखों महिलाएं मरती हैं, वो शख्स जिसकी एक आवाज पर लाखों की तादाद में दर्शक सिनेमा घरों के बाहर हुजूम लगाकर खड़े हो जाया करते थे। जी हां, इस मर्तबा कथा पेश करता आप सभी के सामने कहानी देवानंद की, एवरग्रीन देवानंद। दोस्तों, देवानंद का जन्म सन 1923 में गुलाम भारत के गुरदासपुर शहर में हुआ था। तकरीबन 20 से 22 साल की उम्र में देवानंद लाहौर छोड़ मुंबई का रुख करते हैं, जो उस समय का बॉम्बे हुआ करता था। लेकिन देवानंद ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनको नहीं पता था कि उनका बॉम्बे का वो रुख उनको लाहौर से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगा, क्योंकि 1947 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका था, जिसके बाद लाहौर पाकिस्तान को मिला था। दोस्तों, जब भी हम फिल्म इंडस्ट्री में देवानंद का जिक्र करते हैं तो हमेशा उनके अजीज दोस्त गुरु दत्त का नाम हमेशा हमारी जुबान पर आता है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि आखिरकार देवानंद की पहली मोहब्बत, अगर हम देवानंद की सच्ची मोहब्बत भी अगर हम उसे कहें तो शायद वो गलत नहीं होगा, तो आखिर वो थी कौन? देवानंद और सुरैया। जी हां, सुरैया ये वो नाम था जिससे पहली मर्तबा देवानंद ने अपनी जिंदगी में प्यार किया था। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर भी देवानंद और सुरैया का काफी जिक्र हुआ था। देवानंद भले ही कभी सुरैया से शादी ना कर पाए हो, लेकिन उनके बीच प्यार अटूट था। सुरैया के मन में भी देवानंद के लिए काफी मोहब्बत थी और देवानंद के मन में भी सुरैया के लिए। सुरैया से देवानंद इस कदर मोहब्बत करते थे कि सुरैया के लिए देवानंद ने बॉम्बे के जवेरी बाजार से एक हीरे की अंगूठी खरीद कर सुरैया को उपहार में दी थी। लेकिन इसके बाद एक प्रश्न ये उठता है कि आखिर सुरैया और देवानंद जब इस कदर एक दूसरे को मोहब्बत करते थे तो फिर आखिर वे शादी क्यों नहीं कर पाए थे? दरअसल सुरैया की नानी बादशाह बेगम सुरैया और देवानंद के इस रिश्ते से बहुत खफा थी और वो देवानंद को किसी भी तरह स्वीकार नहीं करना चाहती थी। इसी कारण सुरैया और देवानंद कभी एक नहीं हो सके। देवानंद ने अपनी आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ में एक मर्तबा इस बात का जिक्र किया था कि जो अंगूठी मैंने सुरैया को दी थी, एक मर्तबा सुरैया उस अंगूठी को समुद्र के किनारे ले गई और उस अंगूठी को समुद्र के अंदर जोर से उन्होंने फेंक दिया था। शायद सुरैया इस बात से देवानंद की तमाम यादें अपने दिल से हमेशा हमेशा के लिए मिटा देना चाहती थी। लेकिन दोस्तों, जहां ये प्रेम कहानी है सुरैया और देवानंद की, वही देवानंद एक मर्तबा जीनत अमान को भी अपना दिल दे बैठे थे। देवानंद ने अपनी उसी आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ में भी इस बात का जिक्र किया है कि एक मर्तबा देवानंद ने इस बात का निश्चय किया था कि इस बार वो जीनत अमान को अपने दिल की बात जरूर कह डालेंगे। इसके लिए देवानंद ने ताज होटल के रेंडावू रेस्टोरेंट की एक टेबल बुक करी थी, लेकिन वो बात देवानंद अपने जुबान तक कभी ला ही नहीं पाए थे। दोस्तों, देवानंद को अपनी जिंदगी की सबसे ज्यादा कामयाबी तब नसीब हुई थी जब उन्होंने फिल्म करी थी गाइड। 1965 में इस फिल्म को ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट किया गया था और यह फिल्म देवानंद की जिंदगी की सबसे कामयाब फिल्म साबित हुई थी। देवानंद की बहुत सी खास आदतों में यह आदत भी शुमार थी कि देवानंद अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखते थे। देवानंद के करीबी मोहन चूड़ीवाला बताते हैं कि देवानंद रोजाना सुबह एक हैवी ब्रेकफास्ट करते थे। इसके अलावा रात को भी उनकी डाइट काफी अच्छी रहती थी, लेकिन दोपहर का खाना देवानंद खाना पसंद नहीं करते थे। इसके अलावा देवानंद की सबसे अच्छी आदत यह थी कि देवानंद जितने अच्छे इंसान थे उतने ही जमीन से जुड़ी शख्सियत थी उनकी। देवानंद हमेशा अपना फोन खुद उठाते थे। देवानंद ने कभी भी किसी फोन रिसीवर को अपने यहां नौकरी पर नहीं रखा था। देवानंद के पास जब भी कोई फोन आता था तो देवानंद खुद ही फोन उठाते थे। मोहन चूड़ीवाला ने जब देवानंद की इस आदत का कारण पूछा तो देवानंद ने उसका जवाब ये दिया कि उन्हें हमेशा ये पता होना चाहिए कि आखिर कौन कौन उनसे बात करना चाहता है। देवानंद ने अपनी जिंदगी में कई दोस्त बनाए थे, जिसमें नेपाल के राजा महेंद्र, भारत के पूर्व रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ
शुमार थे। दोस्तों, नवाज शरीफ और देवानंद की दोस्ती का सबसे बड़ा नमूना हमें इस वाक्यात से जानने को मिलेगा। जब अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान गए थे तो अटल बिहारी वाजपेयी ने नवाज शरीफ से यह पूछा था कि मैं भारत से आपके लिए क्या तोहफा लाऊं, तो नवाज शरीफ ने उसका जवाब यह दिया था कि आप भारत से हमारे लिए सिर्फ देवानंद को साथ ले आए। तो ये आलम था देवानंद और नवाज शरीफ की दोस्ती का। पाकिस्तान की कई रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान की आवाम भी, पाकिस्तान के तमाम दर्शक भी देवानंद को बहुत पसंद करते हैं। जैसे दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन जैसे अभिनेताओं को पाकिस्तान की आवाम पसंद करती है, उसी में देवानंद भी शुमार है। तो दोस्तों, ये थी अभिनेता देवानंद के बारे में कुछ ऐसी बातें जिनसे हम तमाम लोग अपरिचित हैं। लेकिन दोस्तों, आपकी इस बात पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल सके। उमर अंसारी के साथ मिहिर जैन, कथा